संकट मोचन समिति के द्वारा नगर के अति प्राचीन बूढ़े बालाजी मंदिर पर 11वीं बार आयोजित की जा रही है भागवत कथा के तृतीय दिवस कथा में बोलते हुए कहा कि माँ ही बच्चों को प्रथम और सच्ची गुरु होती है। माँ चाहे तो बच्चे को चोर डाकू शराबी जुआरी बना सकती है और माँ चाहे तो बालक को भक्त दानी शूरवीर बना दे, ये सब माँ पर ही निर्भर करता है। वहीं नारी के रूपों का बखान करते हुए व्यासपीठ से कहा कि नारी के तीन रूप होते हैं, पहला लक्ष्मी जो घर चलाने के लिए बनती है, दूसरा चंडी जो समाज को सुधारने के लिए, और तीसरा सरस्वती जो अपनी संतान को संस्कारिक बनाने के लिए बनती है। तो वहीं ज्ञान के बारे में बताते हुए कनक बिहारी जी ने बताया कि ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, आत्मज्ञान और शब्द ज्ञान। बच्चा जब छोटा होता है तब क्रोध और प्रेम को समझता तो है लेकिन बोल नहीं पाता, यानी उसे आत्मज्ञान तो है परंतु शब्द ज्ञान ना होने के कारण बोल नहीं पाता। तो हरि भजनों पर भक्त भी जमकर झूमे। भरतपुर निवासी कालराम सांसी के छोटे बच्चे ने कथा के दौरान कनक जी महाराज को पैसे से भरी गुल्लक दान की। कथा के चतुर्थ दिवस आज श्री कृष्ण जन्म की लीला का वर्णन किया गया। इस अवसर पर श्री कृष्ण की मनमोहक झांकी संकट मोचन समिति के द्वारा सजाई जाएगी। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए मुंगावली से इकबाल जमींदार की रिपोर्ट।